पुलाव तो हम घर में बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज मैंने बनाया है रंग बिरंगा पनीर पुलाव। इसे आप त्योहारों पर या घर पर कोई मेहमान आए तो स्पेशल बना सकते हैं। और साथ में मैंने बनाया है अनार का रायता, ये भी बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत डिफरेंट लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। मेरे चैनल पर मिलेंगी आपको डिफरेंट रेसिपीज़, वो भी घर के इजीली अवेलेबल सामान से। पुलाव बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप चावल, उसे हम 1 घंटे के लिए भिगो देंगे और अच्छे से वॉश कर लेंगे। और इसे 3 से 4 पानी में अच्छे से वॉश करना है हमें, तभी हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। और हमें सब्जियां ले लेनी है, जैसे मैंने ली है गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन की 8-10 कलियाँ और पनीर। और आप चाहें तो पत्ता गोभी भी ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, कॉर्न्स ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो सब्जियाँ आप वो ले सकते हैं। सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। चाहें तो आप इसे तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। फिर जो हमने लहसुन ली थी 7-8 कलियाँ, उसे हम बारीक बारीक काट लेंगे, इसमें डाल देंगे। फिर हम डालेंगे इसमें प्याज, और फ्लेम को हम बिल्कुल लो ही रखेंगे, क्योंकि हमें इस प्याज को लाल नहीं करना, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है। अब प्याज को हम थोड़ा सा साइड कर देंगे ताकि ये बीच में घी आ जाए, और जो हमने पनीर लिया था काट के वो हम इसमें ले लेंगे। सब्जियां हमें बहुत बड़ी बड़ी नहीं काटनी, छोटी छोटी ही काटनी है। इसे हम थोड़ा सा चला देंगे ताकि पनीर भी थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे सब्जियाँ जो हमने ली हैं, शिमला मिर्च और गाजर। आप चाहें तो मटर भी ले सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हो आप वो ले सकते हैं, और जो नहीं खाते उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। इसे हम हल्का सा सौते कर लेंगे। अब जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। मैंने 2 कप चावल लिए थे, आप घर की कोई भी कटोरी या ग्लास या कप मेज़र के लिए रख लें। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक, और इस स्टेज पर डालेंगे हम 1 चम्मच घी, और हम चावल को इस घी में भूनेंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ हमने चावल ही डाले हैं। इसे हम बिल्कुल हल्के हाथ से घुमाएंगे, क्योंकि हमें चावल को भूनना भी है और चावल इससे टूटे भी ना। देखिए चावल हमारे भून गए हैं, सिर्फ 2 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा देर नहीं भूनना हमें। अब हम इसमें डाल देंगे 4 कप पानी। हमने 2 कप चावल लिए थे तो हम खुले में बना रहे हैं कढ़ाई में, तो इसलिए हम इसमें डबल पानी डाल देंगे। इसे हम घुमा देंगे ताकि नमक और चावल पानी अच्छे से मिक्स हो जाए, और जब इसमें एक अच्छे से बॉईल आने लग जाएगा, अब हम डालेंगे इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है 1/2 नींबू। इससे चावल खट्टे नहीं होंगे, लेकिन चावल अच्छे खिले खिले बनेंगे, आपस में चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब फ्लेम स्लो करके हम 5 मिनट के लिए ढककर इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम रायता रेडी कर लेते हैं। हम एक बोल में लेंगे 1 कटोरी दही, इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। फिर डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच पुदीना कटा हुआ, और 3 चम्मच हम डालेंगे इसमें अनार। अनार का रायता बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा और 1/2 चम्मच चाट मसाला। अच्छे से मिक्स करके ऊपर से हम इसको सजा देंगे अनार से और थोड़े से पुदीने से। रायता हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, चावल भी हम देख लेते हैं। चावल हमारे 80% तक कुक हो गए हैं, और पानी भी 80% तक इसका सूख गया है। ये देखिए पानी अब ज़्यादा नहीं है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें कलर। ये देखिए मेरे पास है एक ग्रीन लिक्विड फूड कलर, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं इसमें ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर डालूंगी। चाहे तो आप कलर को अवॉइड भी कर सकते हैं। इस तरीके से 2 से 3 ड्रॉप्स हम इसमें इसके डाल देंगे, और जैसे ये ऑरेंज कलर है इसके भी हम 3 से 4 ड्रॉप्स डाल देंगे। चाहे तो कलर को अवॉइड कर सकते हैं, या आपको पिंक कलर डालना हो या येलो कलर डालना हो, अपनी पसंद का कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। इसे हम घुमाएंगे नहीं, अभी ढककर हम इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए पानी भी अच्छे से सूख गया है और चावल भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब एक फोक की हेल्प से हम अच्छे से इसे घुमाएंगे, लेकिन हल्के हल्के हाथ से ही घुमाएंगे, ज़्यादा तेज नहीं घुमाएंगे, क्योंकि चावल अभी गर्म है तो टूट सकते हैं। ये देखिए
नीचे से अच्छे से घुमा देंगे ताकि इसकी स्टीम रिलीज़ हो जाए। रंग बिरंगा पनीर पुलाव सर्व करने के लिए देखिए बिल्कुल रेडी है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसके ऊपर आप हरा धनिया डाल दें गार्निशिंग के लिए, और साथ में इसका हमने बनाया है अनार का रायता। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।